मैदा भूनना है सिंपल जैसे हम भूनते हैं। उसके बाद हम इसकी लोई बना के रोटी भेज देंगे जैसे आप लोग भूनते हो पत्ती भेज देंगे। A few moments later. ध्यान रहे पूरे में नहीं लगानी है आपने। देखिए अब आप इसमें ला देंगे बंद गोभी जो हमने शेड की है। इसमें क्या क्या डाला है आपने? इसमें मैंने डाला है प्याज और बारीक कटा प्याज, हरा धनिया और अदरक लहसुन का पेस्ट जो इसका मेन मसाला है। वो यही है कि आप इसमें अदरक लहसुन डाले और खाए तो वाह वाह वाह। कमरे में आपको ये गोभी का मिक्सचर खाना है से। वो प्रोसेस फिर से दोहराए। पहले इसमें लाल चटनी कैसे बनाई आपने? ये तो मेरी सिस्टर नहीं है, वो आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। ये मेयो भी इसने खुद ही बनाई है यहाँ पे, तो अगर आपको चाहिए होगी तो आप कॉल कर सकते हैं। सॉरी देखिए आपको पता था ऐसा दिखना चाहिए। अब सबसे टफ काम है रोटी ऐसे टैप टैप करके इस पे ऐसे करके बराबर पोर्शन में डालनी है। ध्यान रहे आपका परांठा नीचे ना चिपके। इसको बराबर ऐसे करके एप्पल पाई की तरह रोल करें, लाइक ऐसे। इसको ऐसे करें, ऐसे 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 ऐसे। थोड़ा मोटा ही रहने दें यहाँ से तो चलो कोई बात नहीं। ये तो यूट्यूब के चक्कर में थोड़ा खराब हो गया, तब चलते हैं। लीजिए हम आपको कवर करने भी आ जाते हैं। Oh my God! Wow! ये लीजिए आपका परांठा तैयार है। चिप बनानी चाहिए बस। तो आपने इसको डीप फ्राई करना है। Okay. 2,000 years later. अब ये इसको थोड़ा क्या करेंगे, थोड़ा ऑयल निकाल देते हैं एक्सेस ऑयल। आप प्लेट दे सकते हो मुझे पूरे। अब इसकी हम गार्निशिंग करेंगे। Few inches later. Just then. कमी डाले क्योंकि मेरी बहन ने स्पाइसी बहुत डाला है। लीजिए अब काटिए। वाह अभी हम आपको इसका वाह देखिए वाह अच्छा लगता है। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार मजाक हो रहा है। नहीं ये 12 seconds later. बिल्कुल वैसे ही मुझे लग रहा था जैसे मैंने संजौली में खाया था। ओह थैंक्स फॉर कॉम्प्लीमेंट। देखिए आप देख सकते हैं, ये देखिए हमारा चाइनीज परांठा कैसा लग रहा है आपको? खुशबू बहुत अच्छी हो रही है। एक्चुअली खुशबू के हाथ लगी है तो खुशबू अच्छी है।